25 वर्ष से सेवा साधना, नवयुवकों की हृदय के करुणा का प्रवाह, संवेदनशील सेवा भावी समाज का निरंतर सक्रिय सहयोग, समर्थन, विश्वास, संतों का प्रत्यक्ष आशीर्वाद, परमपिता परमेश्वर की कृपा से संचालित है। सेवा मिशन 25 वर्ष में कुष्ठ रोगी, गरीब, जरूरतमंद, उनके परिवारों का पालन पोषण, कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा, उनके बच्चों के लिए पालन पोषण का छात्रावास, संस्कारशाला, विद्यालय, कई प्रकार के छात्रावास, स्किल डेवलपमेंट, ग्रामीण अंचल की स्वच्छता, पर्यावरण, स्वावलंबन, ग्रामीण अंचल में चल चिकित्सा, ऐसे सेवा के 24 प्रकार के आयामों में भक्ति भाव से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से उनके जीवन में प्रसन्नता आए, उनकी जरूरत पूरी हो, जिसलिए जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, उस जन्म को खुशी खुशी जरूरतें अपनी पूरी करते हुए खुशी खुशी जीवन यात्रा पूरी कर सके, इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। अब ध्यान में आता है कि इनके बच्चों को रोजगार परक शिक्षा मिले, इनको स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास हो, मानसिक शारीरिक सांस्कृतिक विकास हो, हृदय में सेवा की संवेदना हो, इसलिए डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की भी 23 जनवरी को आधारशिला रखी गई है। चूंकि इस संसार में जितने प्रकार के भी संबंध हैं, वो संबंध केवल और केवल सेवा के हैं। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? सेवा का संबंध है। माता पिता से हमारा क्या है? सेवा का संबंध है। पति पत्नी का संबंध क्या है? सेवा का संबंध है। क्रेता विक्रेता का संबंध क्या है? तो सेवा का संबंध है। नेता और मतदाता का संबंध क्या है? तो सेवा का संबंध है। यानी पूरा संसार को ठीक से गहरी दृष्टि से देखें और समझें। इस संसार में कोई भी व्यावसायिक संबंध नहीं है। व्यावसायिक संबंध तात्कालिक स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है, लेकिन हमारे हृदय का विकास नहीं कर सकता, व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता, हमारी संवेदनाओं का विकास नहीं कर सकता। मूल संवेदनाएं क्या है? सेवा है, सहिष्णुता है, दया है, कृपालुता है, सहृदयता है, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, दूसरे के विकास में, दूसरे के संवर्धन में आनंद की अनुभूति है। इन सद्गुणों के विकास के कारण से हम में जो एक सेवा की चेतना, हृदय का विशालता, करुणा का प्रवाह है, प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों से जिस समाज का निर्माण होगा, वो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपने आप एक औरा बन जाएगा,
उस समाज के निर्माण के, उस परिवार विशेष के निर्माण के, जिस आप संस्था में काम करते हैं, जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, वहाँ विशेष प्रकार की जीवन की संरचना अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के दोनों तीनों परिसर उसके प्रत्यक्ष देखने योग्य, समझने योग्य, गहरे अनुष्ठान के स्थान आपको प्रतीत होते होंगे। तो सेवा साधना के इसी उपलक्ष में 25 वर्ष पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके, बैठ करके सांघिक विचार किया। उसमें मार्गदर्शक मंडल भी था, अलग अलग व्यक्तिगत उनसे वार्ता की गई, संरक्षक मंडल उनसे व्यक्तिगत वार्ता, संचालन समिति, सभी संयोजक, सह संयोजक, देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, चाहे मातृशक्ति ग्रुप हो, युवा शक्ति ग्रुप हो, सेवा शक्ति ग्रुप हो, सबसे संवाद, बातचीत, आपसी सहमति के बाद बात आती है कि हम लोग शिवरात्रि से एक वर्ष पर्यंत 125 पार्थिव शिवलिंग के शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, शिव अवतरण के महा अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं। ये संकल्प कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये संकल्प संस्था विशेष का नहीं है, संस्था विशेष के लिए नहीं है, ये संकल्प जाति विशेष के लिए नहीं है, ये संकल्प सब के लिए है, सर्वजनीन है। इसलिए बार बार सूत्रवाक है, वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यानी सर्वजनीन है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की अहंकार की तुष्टि परितुष्टि के लिए नहीं, ये व्यक्ति विशेष की मनोकामना के लिए नहीं है। ये यज्ञ भगवान शिव के अवतरण का यज्ञ है, उनकी आभा का यज्ञ है, उनके उनकी आराधना का यज्ञ है। हम सभी क्यों किसी घर परिवार में जाते हैं? क्योंकि आपको प्रेम से, सम्मान से बुलाता है कोई व्यक्ति। अगर आपको तिरस्कार करे, दुत्कार दे, अपमान करे, या आपके मन के भावना के व्यक्तित्व के अनुकूल उस परिवार का वातावरण ना हो, जैसे आप शराब नहीं पीते, नॉनवेज नहीं खाते, आपको भोजन पे बुलाया, या कुछ इस प्रकार की जो चीजें आप नहीं पसंद करते, उस प्रकार के कृत्य दिख रहे हैं उस घर में, परिवार में, उस वातावरण में, आप उसको छोड़ करके वापस आ जाएंगे। क्यों? आपकी प्रकृति के अनुकूल वातावरण वहां पर है नहीं। कहां जाएंगे? जहां आपके मन के अनुकूल होगा, प्रकृति के अनुकूल होगा, आपके व्यक्तित्व विचार के अनुकूल बात होगी, आप तभी तो वहां पर जाएंगे। ये जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का सेवा कुंज परिसर है, हम सबको अपनी आराधना से, अनुष्ठान से, संकल्प से, त्याग से, तपश्चर्या से, जीवन से, अध्ययन से, करुणामय पुकार से, इस परिसर में
शिव के आने के, शिव भाव के, शिवत्व के अवतरण की भाव भूमिका तैयार करनी है, यही है शिव अवतरण का मूल। अब उसके लिए एक व्यक्ति का काम नहीं, ध्यान रखिए मैंने कहा है आपको, व्यक्ति विशेष का काम नहीं, संस्था विशेष का काम नहीं। इसलिए सबको आज से इसी समय से संकल्प लेना है, जहां भी जाएं, हमारे मित्र होंगे, परिजन होंगे, इष्ट मित्र होंगे, परिवारजनी होंगे, आपसे प्रभावित लोग होंगे, उन सबको संदेश दिया जाए, उन सबको अपनी भावना से अवगत कराया जाए, अपने विचार की अभिव्यक्ति दी जाए, और ये उनके हितार्थ, विश्व के हितार्थ, राष्ट्र के हितार्थ, सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन के हितार्थ, हिंदुत्व निष्ठ, हिंदू कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्तित्व या माने देश के हितार्थ, ऐसा एक सामूहिक इस प्रयास, इसके लिए हम सबको सक्रिय हो करके, संवेदनशील हो करके अपनी भावनाओं को पहुंचाने का संकल्प लेने का भी समय है। इस विषय में रोज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, आज तो केवल शुरुआत मात्र है।